दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मैं मुकेश सिन्हा दिल्ली भारत की टीम के साथ। देखिए ये अवर पुल है और अवर पुल के पास पानी और बिजली के लिए हाहाकार मचा हुआ है पूरे। वैसे तो हर शहर में हाहाकार है और देख सकते हैं कि लोग चारों तरफ, थोड़ा कैमरा घुमा के दिखाइएगा, पानी और बिजली के लिए किस तरह से लोग व्याकुल है और प्रशासन की तरफ से कुछ भी नहीं हो रहा है। हाहाकार मची हुई है, रातों रात तक बिजली नहीं रह रही है और खास करके पानी की भी बहुत किल्लत है। तो लोगों से, खास करके लोगों का अपेक्षा है प्रशासन की तरफ से और यहाँ के जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके तरफ से कि इस मुद्दे पे ध्यान दिया जाए। देखिए अभी जाम लगा हुआ है यहाँ पे चारों तरफ, थोड़ा उधर भी दिखा दीजिएगा। सुदामा प्रसाद से बात की, उन्होंने कहा है कि हम आला अधिकारियों से बात कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि एक महीना से लगातार पानी का संकट है। बेटा आप किनारे हो जाओ। बुडको कंपनी आरा शहर में पानी की सप्लाई करती है और बुडको मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार के खास लोगों के से जुड़े हैं और इसलिए आरा शहर के पानी की सप्लाई पर बुडको कंपनी कोई तरजीह नहीं देती। उसका एसडीओ अनामिका मैडम फोन नहीं उठाती, जिला कलेक्टर फोन नहीं उठाते और ऐसी स्थिति में भयंकर गर्मी में पानी के लिए लोग मरने के लिए विवश हैं और पानी की मरते हुए लोग आज अपनी बाल्टी लेकर के सड़कों पर आए हैं और कहना चाहते हैं कि जिला कलेक्टर महोदय, यथाशीघ्र पानी की व्यवस्था कीजिए, अन्यथा यह रोड जाम चलता रहेगा। जब तक पानी की व्यवस्था, पानी की सप्लाई सुधारी नहीं जाती तब तक हमारा यह रोड जाम चलता रहेगा। टंकी जो है खराब है एक महीना से कम 500 घर का पानी चलता है उसमें, एक महीना से कोई सुनवाई नहीं है, टंकी नहीं बन रहा है। एक महीने से पानी और बिजली दोनों की किल्लत चल रहा है। तो क्या ये जनता के लिए त्राही त्राही कर रही है सिचुएशन? इतना कंट्रोल से बाहर हो चुका है, गर्मी इतनी है, पानी और बिजली दोनों बहुत ही निहायत ही जरूरी है। और कितना फिट तो गिर जा रहा है, पानी बिना कई गो मोहल्ला में गिर गए, फिलता गया था, समझ गए। इन मिट्टी मोहल्ला में जवाबदेही है, इसकी जवाबदेही है। क्या कहेंगे? मेयर भी नहीं आ रहा सुनने के लिए, कोई भी नहीं आ रहा, कोई भी नहीं आ रहा। अरविंद का काम है मेयर का, उनको आना चाहिए ना। बोलिए तो हाँ, जो है कि हमारे जाकिर भाई है, अच्छा उनसे भी बोला गया तो उनसे बोला गया कि भाई चलिए। तो बोलिए क्या, ठीक है हम बनवा दे रहे, पैसा हम लोग चंदा किए, चंदा से नहीं हुआ तो गए उनसे पास, तो पैसा घर घर वापस कर दीजिए, हम बनवा रहे। बनवाने के बावजूद में भी नहीं हुआ, उसके बाद फिर कह के ठीक है बनवाऊंगे। एक महीना बेटी बहू जो दूसरे घर से पानी, बल्टी बल्टी बच्चे लोग जा रहे, बच्चे पानी ला रहे। अब ये सर बताइए कि हम लोग कितने बच्चे लोग धोएंगे, हम लोग कमाने खाने वाले मजदूर आदमी। तो पानी और बिजली दोनों का, पहले हमको पानी चाहिए, पहले हमको सर खाल पानी चाहिए हमको, और हम लोग का पानी ऐसे एक महीना से मर रहे हैं। अब हम लोग का बाकी क्या रह गया है? रोड पर आ गए हैं, बच्चे लोग तो रख रहा है, नहीं सुन रहा है, कोई बात नहीं सुन रहा है, नहीं सुन रहा है। मेयर की जरूरत है, आप मामला बताइए, मत मेयर को बताइए। दो बीबी फोन किए हैं, नहीं आए, हम लोग के इलाका में नहीं सुन रहे हैं, नहीं आ रही है, मेयर भी नहीं है ना, नहीं आ रही है, मेयर नहीं आ रही है, नगर आयुक्त नहीं आ रहा है। और जब नगर आयुक्त, नगर आयुक्त मेयर नहीं आ रहा है तो फिर वार्ड की क्या जरूरत है भाई? अरे मेयर को आना चाहिए, नगर आयुक्त को आना चाहिए, डीएम को आना चाहिए, एसपीओ को आना चाहिए, फूड को, कंपनी को। सुन लीजिए, अरे ये पानी की सप्लाई नीतीश कुमार के खासम खास बुडको कंपनी के का ठेकेदार करता है और नीतीश कुमार का खासम खास है, तो बदमाशी तो नीतीश कुमार और भाजपा कर रही है और आप दूसरी जगह ले जा रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेयर को, मैं कहना चाहता हूं नगर आयुक्त के आवे और इस समस्या का हल करे। अच्छा, और जो है कि और तो हस्तनाहस करके चला गया। तो देखिए सिचुएशन जो है अंडर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, लोग पानी और बिजली दोनों के लिए परेशान है और निहायत ही सड़कों पे रुक के, सड़कों पे आके इतनी गर्मी है, लोग अपनी परेशानियों को बता रहे हैं। तो जो भी प्रशासन के लोग हैं, जो भी इसके लिए उत्तरदायी हैं, उनको यहाँ पे आके जल्दी से जल्दी जनता की परेशानियों को दूर करना चाहिए। जो भी अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे यही गुजारिश है कि लोगों के परेशानियों को दूर करें
और नहीं जा रहा है, ठीक है। और ये स्थिति में है, इधर इधर कीजिएगा, उधर नहीं, इधर कीजिए, इधर आइए। देखिए तो ये पानी की जो टंकी है यहाँ पे पूरा आप देख सकते हैं कि ये बेसिक नीड है और लोगों की, देखिए ये जला हुआ है पूरी तरह से। ये जो पानी का सिचुएशन आप देख सकते हैं, लाइव में दिखा रहा हूँ, तो ये जो भी है देख के अपना खुद का निर्णय ले सकते हैं कि सिचुएशन कितना आउट ऑफ कंट्रोल है, लोग कितने परेशान हो रहे होंगे। तो एक महीने से ऐसा काम चल रहा है। और देखिए यहाँ जो एक महीने से चल रहा है आप काम, कभी बोला जा रहा है कि आज होगा, कल होगा, दो होगा, और यहाँ के मेन अधिकारी भी हैं, अधिकारी आने के बावजूद भी वो बोलते हैं ठीक है हम करवा रहे हैं काम, कुछ सापड़ गिर गया, क्या गिर गया, तो वो टेक्निकल प्रॉब्लम आपके पास है, वो आम से आम जनता नहीं जानेगी क्या करना है क्या नहीं करना। और यहाँ जैसे ऑपरेटर यहाँ हुए हैं, ये भी आप नहीं है, यही है इकबाल, इकबाल आप क्यों नहीं कुछ वहाँ पे अपने मैसेज पहुँचाते हैं? मैसेज दे दिया है सर, हमारे पास है उसका, एक महीने से हो रहा है, एक महीने से हो रहा है, हमने लिखता दे दिया उनको, देखिए लिखता में भी है आप देख सकते हैं, टोटल लिखता में हमारे पास है। और ये कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे देखा जा रहा है मतलब लगभग 25 दिन से, या टोटल मिडिल क्लास देख सकते हैं पीछे में, कोई यहाँ ऐसा नहीं कि पैसे वाले हैं कि जो अपना समरसेबल गड़ा लें, इसी पे वो आश्रित है, सोल्यूशन भी नहीं है। यहाँ जब सरकार ने हमें सुविधा दिया तो सुविधा का लाभ उठाना चाहिए, और लाभ उठाने के बाद भी देखिए इसकी स्थिति क्या है, यहाँ देखिए स्थिति क्या है, मेंटेनेंस के लिए भी यहाँ बोला जा रहा है लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। ये मिल्की मोहल्ला आरा में जो हमारे वार्ड नंबर 25 में पड़ता है, और जाकिर भी जो है हमारे हैं वो भी उसी तरह हैं, कोई मेहनत नहीं हो पा रहा उनसे भी, पता नहीं आप लोग नहीं उनके पीछे आनी पड़ रहा है, इसीलिए ना इस बार चेंजिंग होगा, ये 110% चेंजिंग होगा। क्या कह रहे हैं वो, क्या बोलते हैं हम भी लगे हुए हैं, लगे हुए लगे लगने से थोड़ी होता है, मसला क्या है उनके यहाँ तो समरसेबल है, वो तो अपना काम निकाल ले रहे हैं। सही बात है, अपने उनके खुद के मोहल्ला में जाके देखिए कि वो स्थिति बनता है। और देखिए इधर आइए, ये जैसे पाइप जो निकल रहा है, ये देखिए जैसे अभी स्थिति जो है यहाँ पे देखिए, जब बताया गया कि पावर ग्रिड है यहाँ ऊपर में, आइए इसको हम लोगों ने खुद पर्सनली इसको पैकिंग करवाया, ठीक अच्छा, है ये जनता के सहयोग से हुआ है, जनता सहयोग से हुआ है, जितना भी यहाँ होता है जनता सहयोग से, कोई मदद नहीं मिलता है। अब देखिए जैसे हमारा पाइप पड़ी हुई है, कोई किसी को मतलब नहीं है, या मान लिया कुछ रेड वगैरह गिरता है तो कौन इसका जवाबदेही होगा? सही बात है, कौन इसका जवाबदेही होगा? इसको सेफ्टी करना भी हमारा फर्ज है ना, बिल्कुल प्रशासन का है। अब ये लोग पागल है लोग, मतलब इतने खड़े हैं गर्मी में, ये लोग जितने भी लेडीज वगैरह जो भीड़ लगा कर रखी है, कोई मतलब चाहे सुधा प्रसाद हो, चाहे आर के सिंह हो, चाहे हिंदू देवी हो, सब वही एक एक ताली के छट्टे बढ़ते हैं, कोई नहीं, बस आते अपने वोट बैंक के लिए, बस काम करके बस आए, भवाई बटोर के चले गए, तो जनता को अब क्या लगाना पड़ेगा ना, तो वही होगा ना 25 इस बार 25 नया इतिहास रचेगी, ये क्लियर है, चाहे वो चाहे आप लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे ये सिचुएशन जो आउट ऑफ कंट्रोल रहा है, बताइए जनता है ना इस बात के। अब देखिए जो हुआ है अकबर बाबू, ठीक है, जैसे एक बार इनके भाई जो थे बहुत ही अच्छे मतलब है, जिनका नाम है हमसाल, नहीं हम बता रहे जिनका नाम है हमसाल, ठीक है, वो बहुत ही अच्छी प्रतिनिधि है, बहुत अच्छे वोट से भी वो जीतते, लेकिन इस बार हम लोग खुद उनको फोर्स करके उठाएंगे। अच्छा, तो कि इनके प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, आप सब मेरे साथ बने रहे, लाइव में रहे, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का, और यही गुजारिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी इस एरिया के लोगों के परेशानी को सॉल्व किया जाए, और बिजली और पानी आप लोग एक बार फिर से कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। नहीं इस बार जाकिर बॉयकॉट होंगे 25 से। अच्छा क्लियर है। अच्छा तो देखिए ये अभी से वर्डिक्ट दे रहे हैं, फैसला सुना रहे हैं, जनता परेशानी में है तो बोलना उनका हक बनता है। नहीं इस बार जो जीते थे बिल्कुल बिल्कुल एकमत होगी जीते, उनके सपोर्ट में सब लोग था, चलो अच्छा काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो उन्हीं का वो फायदा उठा रहे हैं। अच्छा बस नाम के लिए है, बस बस बस, तो जनप्रतिनिधि हो चाहे ऊपर के अधिकारी हो, सब लोग बस आके बातें बना रहे हैं, बातों को बनाने के सिवा और कोई काम नहीं हो रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप मेरे साथ बने रहे आप जी, तो सोच बदलिए, खुद को बदलिए, दुनिया बदलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमस्ते।